Hello everyone, welcome to my channel World of Vishwarupa, where today we shall discuss in details about letter writing. This video is going to be helpful for all ICSE, ISC, CBSC and UGC students and also competitive exam aspirants. So watch it full without skipping. You can also take a screenshot or download the video for future preference. So without much delay, let's explore. तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि लेटर होता क्या है। लेटर को हम हिंदी में खत या चिट्ठी बोलते हैं। लेटर एक रिटन मैसेज होता है जो कि हैंड रिटन भी हो सकता है या फिर पेपर पर प्रिंटेड भी हो सकता है। ये एक रिटन कन्वर्सेशन है दो पार्टीज़ के बीच में। उसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि रिटन कन्वर्सेशन यानी लिखित वार्तालाप, जब आप किसी से बात करते हो तो उसे वार्तालाप करना कहते हैं। तो ये एक रिटन कन्वर्सेशन है दो पार्टीज़ के बीच में। ये पार्टीज़ कौन है? एक तो है सेंडर, जो ये लेटर सेंड करता है लिख के, और दूसरा है रेसिपिएंट, जो कि ये लेटर पाकर इसका रिप्लाई सेंडर को देता है। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन को देखेंगे। अ लेटर इज़ अ रिटन मैसेज दैट कैन बी हैंड रिटन और प्रिंटेड ऑन पेपर। It is usually sent to the recipient via mail or posted in an envelope. Although this is not a requirement as such, any such message that is transferred via post is a letter, a written conversation between two parties. The next है types of letter. Letter के कितने भाग हैं या फिर कितने प्रकार हैं? तो generally हम दो प्रकार के letter देखते हैं। एक तो है formal letter और दूसरा informal letter. पर अगर आप डिटेल्स में जाओ तो इसे हम 7 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं या फिर लेटर के 7 टाइप्स है ये भी बोल सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहले आता है फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर क्या है? फॉर्मल लेटर एक ऐसा लेटर है जो आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल या टीचर को लिखते हैं, किसी कॉलेज के प्रोफेसर को लिखते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड को लिखते हैं या फिर किसी कंपनी के बॉस या फिर मैनेजर को लिखते हैं। यानी ऐसा लेटर जो किसी प्रोफेशनल एस्पेक्ट या प्रोफेशनल स्पेयर में यूज़ किया जाता है उसे हम फॉर्मल लेटर कहते हैं। तो फॉर्मल लेटर में कुछ पैटर्न्स और फॉर्मेलिटी फॉलो किया जाता है और ये स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल होता है। किसी भी टाइप के बिजनेस लेटर का अगर आप एग्ज़ाम्पल लेंगे तो वो भी एक फॉर्मल लेटर ही होता है, क्योंकि उसमें सर्टेन पैटर्न, सर्टेन फॉर्मेलिटीज़ और कुछ दूसरी चीज़ें जो कि फॉर्मल लेटर्स के कंपोनेंट्स हैं उन्हें फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पर फॉर्मल लेटर का डेफिनेशन दिया हुआ है। दिस लेटर्स फॉलो अ सर्टेन पैटर्न एंड फॉर्मेलिटी, दे आर स्ट्रिक्टली केप्ट प्रोफेशनल इन नेचर एंड डायरेक्टली एड्रेस द इशूज कंसर्न्ड। एनी टाइप ऑफ बिजनेस लेटर और लेटर टू ऑथोरिटीज, यानी किसी संगठन, किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी हायर ऑथोरिटी में जो लेटर भिजवाया जाता है वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर फॉर्मल लेटर के बिल्कुल ऑपोजिट है। इनफॉर्मल लेटर हम किसी फ्रेंड या फिर किसी रिलेटिव को लिखते हैं या फिर किसी इनफॉर्मल वे में लिखते हैं, लेकिन फॉर्मल लेटर सिर्फ और सिर्फ किसी फॉर्मल इंसान को, किसी ऑर्गेनाइजेशन या ऑथोरिटी या स्कूल या कॉलेज या फिर ऐसे कोई प्रोफेशनल स्पेयर में हम लिखते हैं। तो इनफॉर्मल लेटर में कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं, कोई पैटर्न नहीं। इसका मतलब आप इनफॉर्मल लेटर अपने हिसाब से अपने मन पसंदीदार वर्ड्स को भर के लिख सकते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स पर्सनल लेटर्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आप पर्सनल व्यू पॉइंट्स, पर्सनल एक्सपीरियंस या फिर पर्सनल इमोशंस को यहाँ पे लिख सकते हैं, जो कि फॉर्मल लेटर में नहीं लिखा जाता। दे नीड नॉट फॉलो एनी सेट पैटर्न और अडियर टू एनी फॉर्मेलिटीज़। दे कंटेन पर्सनल इंफॉर्मेशन और आर अ रिटन कन्वर्सेशन। इनफॉर्मल लेटर्स आर जनरली रिटन टू फ्रेंड्स, एक्वेंटेंसेस, एक्वेंटेंसेस यानी जान पहचान वाले और रिलेटिव्स। नेक्स्ट आता है बिजनेस लेटर। अब बिजनेस लेटर भी फॉर्मल लेटर का एक पार्ट है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंसेस है। वो क्या है हम बाद में जानेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे इसका डेफिनेशन क्या है।
दिस लेटर इज रिटन अमॉन्ग बिजनेस करस्पॉन्डेंसेस या फिर बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स. जनरली कंटेन्स कमर्शियल इंफॉर्मेशन सच एज कोटेशंस, ऑर्डर्स, कंप्लेन्स, क्लेम्स, लेटर्स फॉर कलेक्शंस एक्सेट्रा. यानी बिजनेस लेटर में बिजनेस रिलेटेड जो कोई काम हो वही लेटर के थ्रू लिखा जाता है. जैसे मानो कभी कोई ऑर्डर पास करना हो गया या फिर किसी का कोई कंप्लेन हो गया, किसी एम्प्लॉय का कोई कंप्लेन हो या फिर कोई कुछ क्लेम करे या फिर किसी कलेक्शन के लिए लेटर, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी बिजनेस करस्पॉन्डेंस है वो सब बिजनेस लेटर में लिखा जाता है. अभी ये सब लेटर्स बहुत ही फॉर्मल होते हैं, स्ट्रिक्टली फॉर्मल होते हैं और ये भी फॉर्मल लेटर की तरह स्ट्रक्चर और पैटर्न को फॉलो करते हैं. लेकिन फॉर्मल लेटर किसी स्कूल या कॉलेज को भी लिखा जा सकता है, लेकिन बिजनेस लेटर सिर्फ बिजनेस रिलेटेड मैटर्स के लिए ही लिखा जाता है. यही एकमात्र डिफरेंस है फॉर्मल और बिजनेस लेटर में. नेक्स्ट हम जानेंगे ऑफिशियल लेटर. अब ऑफिशियल सुन के ही सबको समझ में आ गया होगा कि ये ऑफिस रिलेटेड लेटर है. तो हाँ, ये ऑफिस रिलेटेड लेटर ही है. दिस टाइप ऑफ लेटर इज रिटन टू इन्फॉर्म ऑफिसेस, ब्रांचेस, सबऑर्डिनेट्स ऑफ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन. तो क्या इन्फॉर्म किया जाता है? ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन. कहाँ पे? ऑफिस में, ब्रांच में या फिर सबऑर्डिनेट्स को. इट यूजुअली रिलीज ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन. अब ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के अंडर क्या क्या आता है? एक तो रूल्स हो गया, दूसरा हो गया रेगुलेशंस, फिर प्रोसीडर्स या फिर इवेंट्स या फिर ऐसा कोई दूसरा इन्फॉर्मेशन. ऑफिशियल लेटर्स आर ऑल्सो फॉर्मल इन नेचर एंड फॉलो स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर एंड डेकोरम. तो ये सबको पता है कि जो भी लेटर ऑफिस में लिखा जाता है वो भी फॉर्मल होता है. ये भी इनफॉर्मल लेटर के बिल्कुल ऑपोजिट है. नेक्स्ट आता है सोशल लेटर. सोशल लेटर भी एक पर्सनल लेटर ही है. ये भी एक इनफॉर्मल लेटर का सब कैटेगरी है और ये भी किसी स्पेशल इवेंट में लिखा जाता है. अभी स्पेशल इवेंट जैसे कि मानो किसी का प्रमोशन हो गया या फिर किसी स्टूडेंट ने अपने एकेडमिक्स में हाईएस्ट नंबर लाए हो, तो हम उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने के लिए कॉन्ग्रेचुलेटरी लेटर लिखते हैं. और कॉन्डोलेंस लेटर क्या है? जब किसी आदमी या औरत का डेथ हो जाता है तो उसके घर वालों को हम कॉन्डोलेंस लेटर लिखते हैं उनके आत्मा के शांति के लिए. और दूसरा हो गया इनविटेशन लेटर. ये बर्थडे इनविटेशन हो सकता है या फिर किसी वेडिंग इनविटेशन का लेटर भी हो सकता है. नेक्स्ट आता है सर्कुलर लेटर. सर्कुलर लेटर एक ऐसा लेटर है जो कि बहुत सारे लोगों तक पहुँचाया जाता है किसी इन्फॉर्मेशन को अनाउंस करने के लिए. अब क्या इन्फॉर्मेशन? एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं कि किसी एड्रेस चेंज का इन्फॉर्मेशन, किसी मैनेजमेंट में चेंजेस लाने वाला इन्फॉर्मेशन या फिर किसी कलीग या फिर एम्प्लॉय का रिटायरमेंट हो गया, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन जब हम बहुत से लोगों तक पहुंचाते हैं तो उसे कहते हैं सर्कुलर लेटर. अभी बहुत से लोगों तक पहुँचाने के लिए कोई तो मीन्स चाहिए. हम फ़ोन करके तो सबको नहीं बोल सकते, तो सर्कुलर लेटर इज़ द बेस्ट ऑप्शन. इस लेटर के थ्रू आप बहुत से लोगों तक कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस भेज सकते हैं. ये कुछ नोटिस के जैसा ही काम करता है. तो चलिए हम डेफिनेशन को देखेंगे. सर्कुलर लेटर इज़ अ लेटर दैट अनाउंसेस इन्फॉर्मेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. द सेम लेटर इज सर्कुलेटेड टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल टू कॉरेस्पॉन्ड सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाइक अ चेंज ऑफ एड्रेस, चेंज इन मैनेजमेंट, द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एक्सेट्रा. नेक्स्ट होता है एम्प्लॉयमेंट लेटर. ये सबसे लास्ट है टाइप्स ऑफ लेटर में. तो एम्प्लॉयमेंट लेटर सुन के ही समझ में आ गया होगा कि एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस रिलेटेड लेटर होता है. इस लेटर में क्या क्या इन्फॉर्मेशंस हो सकते हैं? किसी के जॉइनिंग का लेटर हो सकता है, किसी के प्रमोशन का लेटर हो सकता है या फिर किसी एप्लीकेंट जो कि किसी जॉब में इनरोल करने के लिए इंटरेस्टेड हो या फिर किसी जॉब को अप्लाई कर रहा हो वो भी ऐसे लेटर्स लिखता है. तो इन शॉर्ट एम्प्लॉयमेंट लेटर एक ऐसा लेटर है जो कि एम्प्लॉयमेंट प्रोसेसेस को डिफाइन करता हो. ठीक है, तो ये हो गए टोटल 7 टाइप्स. अब नेक्स्ट आता है लेटर राइटिंग टिप जो कि हर एक स्टूडेंट का डिमांड होता है. टिप्स वैसे तो हम नहीं बोल सकते कि यही टिप्स फॉलो करके आप एकदम प्रो बन जाएंगे लेटर राइटिंग में, आप 100 out of 100 लाएंगे. लेकिन ये सारे स्टेप्स आपको थोड़े एक्सटेंट तक
हेल्प करने से भी कर सकता है, क्योंकि ये सब स्टेप्स ज़्यादातर स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, इंक्लूडिंग मी. मैंने भी ये स्टेप फॉलो किया था व्हेन आई वाज इन आईसीएसई एंड आई हैव आल्सो टॉप्ड माय आईएससी. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आपको लेटर आइडेंटिफाई करना होगा. अब ज़्यादातर एग्ज़ाम्स, चाहे वो स्कूल हो या फिर किसी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो, वहाँ पे फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स दिए जाते हैं एज अ ऑप्शन. वहाँ पे आप कोई एक ऑप्ट कर सकते हो. अभी कौन सा बेटर है मैं आपसे ये भी डिस्कस करूँगी, वो लास्ट पार्ट होगा वीडियो का. तो यहाँ पे फर्स्ट हम देखेंगे कि एक लेटर को कैसे आइडेंटिफाई करोगे. सपोज यू वर राइटिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू आस्क फॉर लीव, दिस वुड बी अ फॉर्मल लेटर. But say you were writing to your old college professor catching up after a long time. This would be a personal or informal letter. अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कौन सा लोचा है, दोनों ही तो प्रिंसिपल को लिखने हैं, तो एक फॉर्मल और दूसरे इनफॉर्मल कैसे? तो देखिए, फर्स्ट आपने कॉलेज के प्रिंसिपल को किस रीज़न से लिखा था लेटर, लीव, एप्लीकेशन फॉर या एप्लीकेशन ऑफ लीव. तो आप जब किसी चीज़ या फिर किसी जगह से छुट्टी मांगते हो तो वो हो जाता है फॉर्मल लेटर, ठीक है. लेकिन आप जब किसी के साथ हैंग आउट या गेट टुगेदर या मीटअप करते हो, वो चाहे आपका ओल्ड प्रोफेसर ही क्यों ना हो, तो वो हो जाता है इनफॉर्मल लेटर. क्योंकि वहाँ पे आप किसी स्लैंग्स का भी यूज़ कर सकते हैं जो कि आपका कोड वर्ड हो, ठीक है. आप एब्रिविएशंस भी यूज़ कर सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं. आप जो मन चाहे यूज़ कर सकते हैं इन इनफॉर्मल लेटर. लेकिन फॉर्मल लेटर में ऐसा नहीं होता है, स्पेशली जब आप लीव एप्लीकेशन लिख रहे हो. तो समझ में आ गया कि कैसे आपको पहचानना है कि कौन सा फॉर्मल है और कौन सा इनफॉर्मल. नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है मेक श्योर यू ओपन एंड क्लोज द लेटर करेक्टली. अभी ओपनिंग और क्लोजिंग पार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है लेटर के लिए, क्योंकि एग्जामिनर हाफ से थ्री मार्क्स तक इसमें ही रिजर्व करके रख देता है. स्टूडेंट्स अगर फॉर्मल लेटर ऑप्ट करता है तो उसके लिए एक एडवांटेज ये होता है कि अगर वो ठीक ठाक से सेंटर्स, एड्रेस, डेट, सब्जेक्ट, लास्ट में सैल्यूटेशन ठीक ठाक से लिख लिया हो, तो उसको मार्क्स पाने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है. मतलब उसको एग्जामिनर इम्प्रेस होकर ज़्यादा मार्क्स दे भी देता है. लेकिन इनफॉर्मल लेटर के थ्रू अगर आप कुछ कन्वे करना चाहते हो तो आपको अपने हिसाब से फ्रेम करके, अपने हिसाब से एक्सप्रेशंस गैदर करके उन्हें लिखना पड़ेगा, जो कि बहुत ही हेडेक है, ठीक है. और मार्क्स भी वैसे नहीं देंगे. एग्जामिनर को अगर बहुत पसंद आया आपका लैंग्वेज, आपका वे ऑफ राइटिंग, तो ही आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है. तो ये बहुत ही रिस्की हो जाता है. तो anyways, मेक श्योर यू ओपन एंड क्लोज द लेटर्स करेक्टली, यानी कि आपका जो ओपनिंग पार्ट है और क्लोजिंग पार्ट है उन्हें अच्छे से लिखना होगा. फॉर्मल लेटर के केस में आपको स्ट्रक्चर और ग्रीटिंग का ध्यान रखना है, जो कि फॉर्मल होगा नेचर में, ठीक है. और इनफॉर्मल लेटर में आपको एड्रेस का ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि पर्सन्स नेम और उसका एड्रेस होगा, ठीक है. नाउ फॉर्मल लेटर्स एंड रेस्पेक्टफुली एंड इम्पर्सनली, मतलब ये रेस्पेक्टफुल होता है, जैसे योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली. आप ऐसा सैल्यूटेशन देके फिर आपका नाम, फिर आपका पोजीशन देते हो. और इनफॉर्मल लेटर में थोड़ा सा फॉर्मल टच होता है, यानी कि यहाँ पे आप कोई योर्स फेथफुल या योर्स सिंसियर नहीं लिखते, डायरेक्टली आप लिखते हैं फ्रॉम योर बिलवड, फ्रॉम योर आंट, फ्रॉम दिस, फ्रॉम दैट. मतलब यहाँ पे कोई रेस्पेक्टफुल वर्ड या डिग्निफाइड सेंटेंस या फ्रेज का यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है. एक अफेक्शनेट पोजीशन या एक अफेक्शनेट वर्ड का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट होता है इस्टेब्लिश द मेन इंटेंट ऑफ द लेटर. नाउ वंस यू स्टार्ट राइटिंग मेक श्योर टू गेट टू द पॉइंट एज सून एज पॉसिबल. तो ये बहुत स्टूडेंट्स का टेंडेंसी होता है कि अगर हम ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेगा. लेकिन ये टेंडेंसी लेटर के लिए बिल्कुल सुइटेबल नहीं है, वो इसे के लिए सुइटेबल है. लेटर्स के रेस्पेक्ट में बोलूँ तो यहाँ पे आपको जल्दी से जल्दी पॉइंट में आना है. मतलब आप जो भी लिखो इनफॉर्मल में, हाउ आर यू, आई होप यू आर डूइंग वेल, आई एम डूइंग गुड, ये सब जितना जल्दी हो सके ख़त्म करके किस पर्पस के वजह से आप लेटर लिख रहे हो उस पॉइंट में जल्दी आना होगा. फॉर्मल लेटर के हिसाब में भी अगर आप बोले तो आप
एप्लीकेशन क्यों लिख रहे हो, लीव का एप्लीकेशन क्यों लिख रहे हो, वो रीज़न आपको जल्दी से जल्दी देना होगा। फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन होता है, सेकेंड पैराग्राफ में रीज़न या मेन बॉडी कहलाता है, और लास्ट में होता है कंक्लूशन। ठीक है, आप अगर फॉर्मेट देखोगे, सैम्पल देखोगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये कॉन्सेप्ट जो कि बाद में दिया हुआ है, हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है, बी केयरफुल ऑफ द लैंग्वेज, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बहुत फ्रेंडली लैंग्वेज में फॉर्मल लेटर लिखोगे, वहाँ पर भी आपका मार्क्स कटेगा, और अगर आप बहुत फॉर्मल वे में इनफॉर्मल लेटर लिखोगे, वहाँ पर भी आपका मार्क्स कटेगा। आपको फॉर्मल लेटर फॉर्मली लिखना है, वहाँ पे कोई स्लैंग्स नहीं चलेगा, कोई ईडियम्स नहीं चलेंगे, कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगा। और इनफॉर्मल लेटर्स में भी आप जितना हो सके ये स्लैंग्स, ईडियम्स, कॉन्ट्रैक्शंस, एब्रिविएशंस, ये सब कम लिखो तो ही बेटर है। ठीक है, और फॉर्मल लेटर पोलाइट होगा, कंसिडरेट होगा, सिविल लैंग्वेज होगा, पोलाइट एक्सप्रेशंस होगा। ठीक है, ये सब है लैंग्वेज के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ द लेटर। तो क्या होगा फॉर्मल लेटर के लिए, फॉर्मल लेटर में हम टू द पॉइंट लिखते हैं, प्रिसाइज और शॉर्ट लिखते हैं। इनफॉर्मल लेटर में बहुत टाइम ऐसा होता है कि कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन्स आप रिलेटिव्स को देना चाहते हो, क्योंकि आप बहुत दिन बाद उसको लेटर लिख रहे हो, तो इस केस में थोड़ा हो भी जाता है लेंदी, लेकिन ज़्यादा लेंदी नहीं करना है दोनों के केस में। सिंस वीडियो बहुत लेंदी हो चुकी है, तो आई विल एंड अप हियर। हम फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर के डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, सैम्पल्स और फॉर्मेट्स को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और उसके साथ ही कौन सा बेटर ऑप्शन है, फॉर्मल या इनफॉर्मल, उसके बारे में जानेंगे। टिल देन हैव अ लवली टाइम एंड स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड। थैंक यू।